इस देश की धड़कन है। जय हिंदी। काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्ती, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। ध्यान रखना, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, लेकिन सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। इसलिए मेरे दोस्त, जोश जनून और एनर्जी के साथ एग्जाम तक आपको पढ़ना है। आपकी बार भारतीय सेना की वर्दी आपको पहनना है मेरे दोस्ती। अब वर्दी दूर नहीं, चुटकियों के अंदर 1 नवंबर मेरे दोस्ती आने वाला है, इसलिए लगन के साथ आप सभी को पढ़ना है। आज की क्लास बहुत ही शानदार होगी मेरे दोस्त। गत आर्मी के एग्जाम में पूछे गए सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 35 मेरे दोस्त 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। अगर आप मेरे दोस्ती 30 का बिल्कुल सही और सटीक जवाब देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। बस एग्जाम तक आपको इसी लगन इसी जनून के साथ पढ़ना है, आपकी बार सिलेक्शन लेना है मेरे दोस्त। हम ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों फाइनली आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पुनः सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। जिसने लाइक नहीं किया है तो सेशन को प्यार से दिल से एक बार आप लाइक कर दीजिए, ताकि हम बहुत ही शानदार क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करें। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना मेरे दोस्ती, क्वेश्चन आपको एक से बढ़कर एक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों फाइनली हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कहता है न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, ये बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार मेरे दोस्ती आर्मी जीडी ट्रेडमैन के एग्जाम में रिपीट हुआ है। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, आवेग का नियम, इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो दोस्त बता रहे हैं जड़त्व का नियम, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्षा की बूंदों का गोल होना निम्न में से किसके कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, विस्कासिता के कारण, बर्नौली का सिद्धांत, ये बताइए। वर्षा की बूंदों का गोल होना निम्न में से किसके कारण होता है, ये आप सभी नौजवानों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन ए, जो दोस्त बता रहे हैं पृष्ठ तनाव, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाइड्रोक्लोरिक प्रेस निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है, चार्ल्स पास्कल, आर्किमिडीज के नियम पर या बर्नौली के नियम पर। हाइड्रोक्लोरिक प्रेस है मेरे दोस्ती, ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा पास्कल ऑप्शन बी, जो दोस्त बता रहे हैं पास्कल के नियम पर, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित होना कहलाता है, वाष्पन, उदरवापातन, गलन, विघटन, ये बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जो दोस्त बता रहे हैं उदरवापातन, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 23 फरवरी 2020 आर्मी जीडी के पेपर में मेरे दोस्त ये क्वेश्चन पूछा गया था, सोनार नामक यंत्र किस काम में आता है, ये आप सभी जवानों को बताना है। हवाई जहाज के स्थान का पता लगाने में, पनडुब्बियों के स्थान का पता लगाने में, या मेरे दोस्ती संगीत यंत्र की तरंगी आवृत्ति का पता लगाने में, या इनमें से कोई नहीं, ये बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जो दोस्त बता रहे हैं पनडुब्बी के स्थान का पता लगाने में, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाला यंत्र आप सभी जवानों को बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। माइक्रोटोन, माइक्रोफोन, माइक्रोस्कोप, लाउड स्पीकर। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाला यंत्र, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा माइक्रोफोन इज राइट आंसर ऑप्शन बी, जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मनुष्य द्वारा ध्वनि का सर्वप्रास है 20 से 20 हजार हर्ट्ज, 20 से 2 हजार हर्ट्ज, 40 से 40 हजार हर्ट्ज या 20 से 30 हजार हर्ट्ज, ये आपको बताना है।
मनुष्य के मेरे दोस्त ही सर्वे प्रास आप सभी जवानों को बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं 20 से 20,000 हट रहे जी, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है छोटे छोटे जीवों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, टेलीफोन, बैरोमीटर, टेलीग्राफ, माइक्रोस्कोप। छोटे छोटे जीवों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है ये बताना है। इसका राइट आंसर बिल्कुल बहुत अच्छा ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं माइक्रोस्कोप ही, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी नोट कर लेना। 1 नवंबर जिन नौजवानों का एग्जाम है आपके एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है डॉक्टर के हैंड लैंप में, खेज प्रकाश में, कार की हेडलाइट या ड्राइवर सीट की बगल में, ये आप सभी नौजवानों को बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं ड्राइवर की सीट के बगल में, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विभव राशि है अदिश सदिश दोनों इनमें से कोई नहीं। विभव राशि आपको बताना है आपके एग्जाम के लिए। ये सदिश अदिश राशियां वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जल्द आशी जी सर आपको बोर्ड पे मॉर्निंग में जो 9 बजे क्लास होती है उसमें ये चैप्टर आपको करवाने वाले हैं बहुत ही जल्द। इसका राइट आंसर क्या होगा, विभव राशि अदिश राशि है या सदिश राशि है? इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं अदिश राशि, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गतिज ऊर्जा मालूम करने का सूत्र। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि 23 फरवरी के एग्जाम में आया था स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। ठीक है, तो आपके एग्जाम में गतिज ऊर्जा का सूत्र आएगा MgH 1/2 mv² 1/2 mv² mv/2। गतिज ऊर्जा का सूत्र आप सभी नौजवानों को बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं 1/2 mv², वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि है? निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि आपको बताना है, गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान, त्वरण, निम्न में से कोई नहीं, ये बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं त्वरण, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विभवांतर को नापने वाला यंत्र का नाम बताइए, पोटेशियोमीटर, एमीटर, एनिमोमीटर, वोल्टमीटर। विभवांतर को नापने वाला यंत्र आप सभी नौजवानों को बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं वोल्टमीटर, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तारों के बड़े समूह को क्या कहते हैं, ग्रह, सूर्यमंडल, विश्व, आकाशगंगा। तारों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं आकाशगंगा, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ओम के नियम से कौन सा समीकरण संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है मेरे दोस्ती, ओम के नियम से कौन सा समीकरण संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं V = IR, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूर्य में कौन सा तत्व अधिकता में पाया जाता है, सूर्य में कौन सा तत्व अधिकता में पाया जाता है, हाइड्रोजन, एलियन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ये बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले जितने भी नौजवान अभी सुन पा रहे हैं सेशन को एक बार प्यार से दिल से, जितने नौजवान सुन पा रहे हैं एक बार प्यार से दिल से आप लाइक कर दीजिए ताकि एग्जाम तक आपको इसी लगन इसी जनून के साथ मेरे दोस्त ही शानदार है ये आपको मैटर प्रोवाइड कराएं ताकि आपकी सफलता में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और जिन जवानों का रेमेडिकल अभी रुक रखा है तो वो अपने ARO BRO में कॉन्टेक्ट कीजिए, आपके रेमेडिकल स्टार्ट होने की सूचना मिली है मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं हाइड्रोजन, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं हाइड्रोजन,
वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ आपको बताना है, कोबाल्ट, लोहा, एल्यूमिनियम, फास्फोरस। प्रतिचुंबकीय पदार्थ आपको बताना है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फास्फोरस। जो दोस्त बता रहे वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती, यहाँ पर आप लिखना मेरे दोस्त, दिए की बत्ती में तेल किस प्रक्रिया द्वारा चढ़ता है, ये आप सभी जवानों को बताना है। गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, उत्प्लावन के द्वारा, केशिका तत्व के द्वारा, या तैरने की प्रक्रिया से। दिए की बत्ती में तेल है ये किस प्रक्रिया द्वारा मेरे दोस्त चढ़ता है, ये आप सभी नौजवानों को बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो दोस्त बता रहे केशिका तत्व है, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ऊष्मा का प्राकृतिक तथा सबसे बड़ा स्रोत है विद्युत, घर्षण, अग्नि, सूर्य। ऊष्मा का प्राकृतिक तथा सबसे बड़ा स्रोत आप सभी नौजवानों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और एग्जाम तक मेरे दोस्त आपको इसी लगन, इसी जनून के साथ पढ़ना है। अगर मेरे दोस्त इस वक्त का आपने सदुपयोग नहीं किया तो आपने जो फिजिकल, मेडिकल वगैरह मेरे दोस्त आप जो फिट होके इस मुकाम तक आप पहुंचे हैं मेरे दोस्त, इसका कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए जनून के साथ आपको पढ़ना है, ये वक्त आपको वापस नहीं मिलेगा। बहुत सारे नौजवान हैं जो डिमोटिवेट हो रखे हैं क्योंकि अब की बार क्लास के अंदर ही बहुत सारे कम है जो अटेम्प्ट करते हैं दिन भर में, वो देखते हैं। तो ये जनून एनर्जी है ये मेरे दोस्त कम नहीं होना चाहिए। एग्जाम है ये बहुत ही जल्द मेरे दोस्त आपका होने वाला है, नज़दीक आ गया है, 1 नवंबर के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। इसलिए एनर्जी के साथ पढ़ना है, जिस तरह से आपने फिजिकल क्लियर किया था उसी लगन के साथ मेरे दोस्त आपको आप पढ़ना है, ठीक है। आपका कंपटीशन है ये मेरे दोस्त कम नहीं होगा, बढ़ेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सूर्य इज राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं सूर्य, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बर्नौली समीकरण किससे संबंधित है, विद्युत धारा का प्रवाह है, ऊष्मा का प्रवाह है, द्रव्य का प्रवाह है, प्रकाश का विद्युत प्रवाह है। बर्नौली समीकरण है यह किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर बिल्कुल बहुत अच्छा ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं, द्रव्य का प्रवाह है, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों इनमें से कोई नहीं। हाइड्रोजन बम है ये किस सिद्धांत पर आधारित है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं नाभिकीय संलयन, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, परमाणु भट्टी में शीतलक के रूप में प्रयुक्त होता है भारी पानी, साधारण पानी, कठोर पानी, एल्कोहल। परमाणु भट्टी में शीतलक के रूप में प्रयुक्त होता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर बिल्कुल भारी पानी इज राइट आंसर होगा, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सबसे हल्की धातु है लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, ये बताइए। सबसे हल्की धातु आप सभी नौजवानों को बताना है, इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं लिथियम, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है, गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस आपको बताना है, मेथेन, एथेन, एसिटिलीन, एथीन। इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं एसिटिलीन, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पेट्रोलियम शोधन में विधि प्रयुक्त करते हैं, पेट्रोलियम को मेरे दोस्ती शोधन शुद्ध करने में किस विधि का प्रयोग करते हैं, निथारना, उर्ध्वपातन, छानना, प्रभाजी आसवन, ये बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं प्रभाजी आसवन, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, शराब एल्कोहलिक पेय में खोता है मेथनॉल, बेंजीन, एथेनॉल, एसिटिकमल। शराब में क्या होता है, ये आप सभी जवानों को बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं, एथेनॉल, C2H5OH, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कार्बन का वह अपरूप जो विद्युत तथा ऊष्मा का सूचालक होता है, कार्बन का वह अपरूप जो विद्युत तथा ऊष्मा का सूचालक है ये बताना है। कोक, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं ग्रेफाइट, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, जलीय गैस, द्रव्य कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ है जी आपको बताना है, और पूरा सेशन देखने के बाद आपको बताना है फाइनल आप मेरे दोस्त इसमें कितना स्कोर करते हो। अगर 35 में से मेरे दोस्त अगर 30 प्लस का सही जवाब देते हैं तो मेरे दोस्त जनरल साइंस की तैयारी है ये आपकी बहुत ही शानदार है। इसका राइट आंसर सभी नौजवानों ने सही बताया है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ, ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मैग्नीशियम फास्फेट का आणविक सूत्र होता है। ऑप्शंस आपके सामने है, इनको मेरे दोस्त अच्छी तरीके से रीड कीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी नौजवानों को इसका राइट आंसर मेरे दोस्ती कमेंट बॉक्स में बताना है पूरा सेशन देखने के बाद। HW के लिए मेरे दोस्त ये क्वेश्चन है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है KCl2PCl KCl K2Cl। पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र आप सभी नौजवानों को बताना है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं KCl, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, तैयारी आपकी बहुत ही शानदार है, इसी लगन इसी जनून के साथ पढ़ना है। आपकी बार मेरे दोस्त भारतीय सेना की वर्दी पहनना है, सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए किसी भी दोस्त का मेरे दोस्ती। अब आपको मेरे दोस्ती फाइनल अपना स्कोर बताना है, क्योंकि मेरे दोस्ती 35 नहीं 30 ही क्वेश्चन मेरे दोस्त इसमें टाइप हो पाए हैं। 5 जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा ले लिए जाएंगे, माफ़ी चाहते हैं मेरे दोस्त, 30 ही क्वेश्चन इसकी क्लास के अंदर है ये मेरे दोस्त इंक्लूड कर पाए हैं। तो सभी दोस्त ईमानदारी से बताएंगे आप इन 30 में से कितने क्वेश्चन राइट करते हैं। अगर 27 प्लस का मेरे दोस्त आप सही जवाब देते हैं तो आपकी जनरल साइंस की तैयारी है ये बहुत ही शानदार है, बस एग्जाम तक आपको इसी लगन इसी जनून के साथ पढ़ना है। GK GS आराम से मेरे दोस्त आप एग्जाम के अंदर 30 में से 28 प्लस है ये सभी नौजवान करके आओगे। मेरे दोस्त आपको मॉर्निंग में 10 बजे जो मॉडल शीट पेपर दिया जाता है उसको हमेशा ओमार शीट के अंदर ही आपको सोल्व करना है, और टाइमिंग के साथ करना है कि हमें एक मॉडल शीट पेपर सोल्व करने में 60 मिनट्स में से कितना टाइम लगता है, 50 मिनट, 45 मिनट, 55 मिनट, ठीक है? और ईमानदारी से सोल्व करना है, ऐसा नहीं मेरे दोस्त नकल करके आपको वो टेस्ट देना है, उसमें आप ही का घाटा होगा। और जिस गोल चक्कर को आप गोल करते हो तो मेरे दोस्त उसको बिल्कुल सही करना है, जैसा आप आर्मी के अंदर करोगे, ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं करना है कि ओनली आप गोल चक्कर में टिक लगाते हो, ठीक है? पूरा उसको गोल करना है, अगर आपने कम मेरे दोस्त गोल किया तो वो आपका क्वेश्चन रिजेक्ट माना जाएगा। और हमेशा उसमें आप टेस्ट दो तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग मेरे दोस्त आपको वो टेस्ट पेपर देना है, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास सभी नौजवानों को पसंद आई होगी, तो प्यार से दिल से लाइक कीजिए, अपने तमाम अजीज मित्रों के साथ आप इसको शेयर कीजिए जो तैयारी करते हैं भारतीय सेना की, विशेषकर उनको तो शेयर करना ही करना है, ठीक है? सुबह हमारी क्लासेज होती है मॉडल टेस्ट पेपर, और 9 बजे आशीष जी सर की बोर्ड पे क्लास, तो उनको कंप्लीट मेरे दोस्त आपको देखना है, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं मेरे दोस्त एग्जाम के, 1 नवंबर बस चुटकियों के अंदर निकल जाएगा। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।